हैप्पी लोहड़ी और हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। हम सब जानते हैं कि इन दोनों त्योहारों में तिल और गुड़ का बहुत अधिक महत्व होता है, तो आज हम तिल और गुड़ की चिक्की बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से घर पर बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। इससे मेरा जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक भी करिए। तो चलिए, इसके लिए हमने लिया है 1 कप तिल, 1 कप गुड़ और 1 चम्मच घी। अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं जिसे हम गर्म कर लेते हैं। ये थोड़ी मोटे तले की होनी चाहिए जिससे तिल इसमें चिपके नहीं और जले भी नहीं। अब हम इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेते हैं। इस समय हमारी गैस की फ्लेम लो से मीडियम होनी चाहिए। कभी लो पे रखें, कभी मीडियम पे रखें, पर ध्यान रखें कि तिल जलना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तिल जब थोड़े से पॉपअप होने लग जाएँ, थोड़े से फूलने लग जाएँ और उससे अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो आप समझ जाइए कि तिल भून चुके हैं। उसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो वो कड़वे भी हो सकते हैं। अब हम इन्हें ठंडा कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक प्लेट में तिल को निकाल लिया है। इसके बाद हम एक फॉइल पेपर लेंगे जिसमें हम घी को ग्रीस कर लेते हैं। ये काम हमें पहले ही कर लेना है क्योंकि बाद में इसके लिए टाइम नहीं रहता। अब हम एक कढ़ाई में गुड़ ले लेते हैं। गुड़ को हमें मेल्ट करना है, इसके लिए हमने 1 चम्मच पानी लिया है जिससे गुड़ तुरंत मेल्ट हो जाता है। अब 3 से 4 मिनट के लिए गुड़ को हम अच्छी तरह पका लेते हैं। गुड़ पका है कि नहीं इसकी पहचान करने के लिए हम एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे जिसमें हम कुछ ड्रॉप गुड़ की डालते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करके तोड़ कर देखते हैं। गुड़ अभी अच्छी तरह नहीं हुआ है क्योंकि ये पूरी तरह नहीं टूट रहा है, तो इसलिए हम इस स्टेज में 1 मिनट के लिए गुड़ को और पकाते हैं। इसी समय हम उसमें 1 चम्मच घी ऐड कर देते हैं और इसे चलाकर 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। अब हम फिर से इसे चेक कर देखते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि गुड़ किस तरह से टूटना चाहिए। आप आवाज़ सुन सकते हैं, गुड़ की आवाज़ इसी तरह से आनी चाहिए। घी डालने के कारण तिल की चिक्की में बहुत ही अच्छी शाइन आ जाती है। घी सिर्फ उसी के लिए डाला जाता है। अब हम इसमें तिल मिला लेते हैं और इसे फटाफट से मिलाते हैं। इस समय गैस की फ्लेम बंद नहीं होनी चाहिए। जब तिल अच्छी तरह मिक्स हो जाए तभी हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं। अब हमने जो फॉइल पेपर ग्रीस करके रखा था उसमें इसे निकाल लेते हैं और इसे तुरंत ही स्प्रेड करते हैं। इसके लिए मैंने बेलन की हेल्प ली है जिसे हमने ग्रीस कर लिया है घी से अच्छी तरह, और उसे अच्छी तरह से बिल्कुल इक्वल स्प्रेड कर लेते हैं। इसे गरम गरम में ही हमें कट का निशान लगा लेना है, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसी तरह मैंने पूरी चिक्की में निशान बना लिए हैं। आपको ये सारा काम बहुत ही फटाफट करना है, नहीं तो चिक्की सूख जाती है, तो उसके बाद करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सारी प्रोसेस हमें बहुत ही जल्दी करनी होती है। इसके बाद हम 10 मिनट के लिए इसे ठंडा कर लेते हैं। अब हमारी चिक्की ठंडी हो चुकी है। चलिए मैं एक आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये किस तरह से तुरंत टूट रही है। ये बहुत ही क्रिस्पी है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है और ये कैल्शियम और आयरन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। चलिए इसी तरह हम पूरी चिक्की निकाल लेते हैं और सभी को तोड़कर एक प्लेट में रख लेते हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से ये टूटती है। बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए एक एक पीस मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। ये बहुत ही क्रंची है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि चिक्की आपकी कैसी बनी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।